तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की चीज दिखाने वाला हूं। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, मेरी फोटो। हो सकता है कुछ लोग देखें इस फोटो को और हंस दें कि यार ये क्या पोज मार रहा है, पर मुझे इस फोटो के अंदर से मिल रही है बहुत सारी कमाल की इन्फॉर्मेशन। आप सोच रहे होगे कि कैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तुझे, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इस फोटो से मिल जाती है। मुझे मिल जाती है लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, मुझे मिल जाती है टाइम और डेट की इन्फॉर्मेशन, मुझे मिल जाती है कि ये फोटो किस फोन से खींची है, ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना कमाल की चीज़। अब आप लोग सोच रहे होगे यार भाई मुझे भी बताओ कि कैसे मिलती है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को एक दो चीज़ें जाननी होंगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे, वो एग्जैक्टली होती कौन सी इन्फॉर्मेशन है। आप सोच रहे होगे अगर मैं फोटो के ऊपर ऐसे क्लिक कर दूं, और हर फोन के अंदर भैया डिटेल का एक ऑप्शन आता है, अगर मैं डिटेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मुझे भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन छुपी होती है फोटो के अंदर, और इस इन्फॉर्मेशन को कहते हैं हम लोग EXIF डेटा। अगर आप लोगों ने कभी किसी भी कैमरे से फोटो खिंचवाई होगी तो आप लोगों को पता होगा कि कैमरा जब भी फोटो को रिलीज करता है, आप उसकी प्रॉपर्टीज जब चेक करते हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, ठीक है। पर जब भी फोन कोई फोटो को क्लिक करता है, या फिर कोई ऐसा एडवांस फोन जिसके अंदर लोकेशन की भी सर्विस इनेबल हो और भी दूसरी सर्विसेज इनेबल हो, तो वो रिलीज करता है बहुत सारी और भी कमाल की इन्फॉर्मेशन। कई कई फोटोज के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा कि वो फोटो कौन सी लोकेशन पे क्लिक की गई है, एग्जैक्ट लोकेशन का पूरा एड्रेस वहां लिखा होगा, है कि नहीं कमाल की चीज। आइए हम लोग देखते हैं। बट एक चीज याद रखना, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ EXIF डेटा, लोकेशन वाली चीजें और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें वेरी करती हैं फोन टू फोन। जैसे कि यहां देखो, मैंने सैंपल आउट करने के लिए 3 फोन से क्लिक की हुई फोटोज को ले रखा है। एक फोन है मेरा A035F, ये सैमसंग का मॉडल है। A037F, ये भी एक सैमसंग का मॉडल है। और एक फोन से मैंने क्लिक की है आईफोन से, आईफोन X की फोटोज पड़ी हैं। अब हम लोग तीनों फोटोज के अंदर से EXIF डेटा को निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आप किसी को अपनी पर्सनल फोटो कहीं भेज रहे हो तो उसके अंदर से कैसे आप लोग EXIF डेटा को रिमूव कर सकते हो, ताकि भैया उसको आपके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, है कि नहीं कमाल की चीज। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल के ऊपर चले आना है। गूगल के ऊपर जाओ, वहां पर सर्च करो VER, यहां पर देख सकते हैं, फिर EXIF व्यू एंड रिमूव EXIF, यहां पर इस टाइप की कुछ एक वेबसाइट आने वाली है। इसके ऊपर हम लोग ऐसे क्लिक कर देते हैं। बहुत ही सिंपल इंटरफेस होता है, आप लोगों को ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे स्लाइड करोगे, सबसे पहले ये लोग बोलेंगे कि जिस भी फोटो के अंदर से EXIF डेटा निकालना है तुम्हें, उसकी फोटो को अपलोड कर दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने परमिशन को अलाउ किया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउज के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। अब ब्राउज के ऊपर जाने के बाद मुझे वो लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी जहाँ पर मेरी फोटो पड़ी है। अभी सबसे पहले मैं फोल्डर वाइज लोकेशन को सेलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास A035F है, A037F है, पर मैं सबसे पहले करूँगा अपने आईफोन X की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आईफोन X से मेरी क्लिक की हुई ये फोटो है, और इसको मैंने टेलीग्राम पे सेंड की थी, फिर टेलीग्राम से यहाँ डाउनलोड कर ली है। इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ, फोटो मेरी यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गई है। मुझे व्यू EXIF के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे क्या क्या कमाल की इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। देखिए सबसे पहले कैमरा मेक, यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल फोन तो जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पे कैमरा मॉडल आईफोन X, और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट टाइम भी, एग्जैक्ट डेट और टाइम भी यहाँ पे बताया जा रहा है, रेजुलेशन बताई जा रही है। बट आपको इसमें भी उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपके इंटरेस्ट की चीज ना यहाँ पे है, ये GPS लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे है। ये बहुत ही कमाल की चीज होती है, अगर आपको नहीं पता कैसे कमाल की चीज होती है, एक वीडियो में सेपरेट बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन से आप किसी की पिन पॉइंट लोकेशन कैसे निकाल सकते हो। फिलहाल यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पे तो इसने खुद ही बता दिया। कैसे, नीचे स्लाइड करोगे ना, ये देखिए किस जगह पे फोटो क्लिक की गई थी, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसने यहीं पे बता दिए। अगर आप यहाँ पे व्यू लार्जर मैप पे क्लिक करोगे ना, तो वो एग्जैक्ट आपके मैप के ऊपर लोकेशन भी दिखा देगा कि कौन से लोकेशन के ऊपर ये फोटो क्लिक की गई है, कि नहीं कमाल की चीज। तो ये एक खतरनाक चीज भी हो सकती है, किसी को आपने अपनी फोटो भेजी, उसने आपकी पूरी लोकेशन ही बता दी, तो आप लोग भी चौंक जाओगे यार ऐसा कैसे। पर एक चीज याद रखना, हर फोन के साथ ये केस नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद अब की बार हम लोग क्या करेंगे, दूसरे फोन की फोटो लेने वाले हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। A035F यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, व्यू EXIF डेटा के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे देखिए आ गया है
पर यहाँ पे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही। यहाँ देखिए सिर्फ रेजोल्यूशन बता रहा है और यहाँ पे जेपैक की प्रोग्रेशन बता रहा है हमारा और क्वालिटी बता रहा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है। और अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ अपने दूसरे सैमसंग के मॉडल की पिक को यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे मैं गया ब्राउज के ऊपर, ब्राउज के ऊपर जाने के बाद मैं वापस से इसी जगह पे जाता हूँ, A037F की पिक को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फिर से हम लोग यहाँ पे व्यू EXIF कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। कैमरा मेकर सैमसंग, यहाँ आप देख सकते हैं डेट टाइम यहाँ पे आ गया, फ्लैश क्या यूज़ किया था मैंने पिक को क्लिक करते हुए, नहीं किया था, फोकल लेंथ क्या थी ये थी, एपरेचर क्या था ये था, आईएसओ क्या था ये था। और देखते हैं कुछ यहाँ मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा। पर यहाँ पे हमें फिर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट जो आईफोन वाली इमेज थी भाई आपने देखा ना, उसके अंदर हम लोगों को लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल रहा था, है कि नहीं कमाल की चीज़। अब हम लोग यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसी आईफोन के पिक के ऊपर, पर अब हम लोग क्या करेंगे उस पिक के अंदर से सारा EXIF डेटा हटा देंगे और फिर से उस फोटो को इस वेबसाइट पे अपलोड करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या फिर से वो बताता है कि नहीं। देखिए हटाना कैसे है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल को चूज करना है। लाइक मैं यहाँ पे आईफोन वाली अपनी फोटो को क्लिक कर लेता हूँ, मतलब सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको हटाना है। यहाँ पे गए हम लोग और हम लोग अपने आईफोन वाली ये है मेरी पिक और इसके ऊपर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रिमूव EXIF, इसके ऊपर अगर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ ना तो देखिए क्या होगा, इसने EXIF को रिमूव किया और एक फोटो मुझे डाउनलोड करवा दिया। कौन सी ये फोटो है अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो ये फोटो वही आईफोन वाली है, इसके अंदर क्वालिटी शायद वैसी ही रहने वाली है बट EXIF डेटा आपका मिट गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चेक करूं, मुझे कंफर्म कैसे होगा, तो अभी मैं कंफर्म करा देता हूं। आपको यहां चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, चूज फाइल पे ऊपर गए, ब्राउज के ऊपर क्लिक कर देना है और वापस से इस जगह पे जाना है। और अब की बार ये फोटो कहां आई होगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने EXIF को अपलोड किया फिर उसने डाउनलोड करवाई है, तो ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर गई होगी। क्लिक किया, यहां पे फोटो है, इसके ऊपर टैप करते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग अब वापस से चेक करते देखते कि कुछ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। और यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, रेजोल्यूशन और जेपैग। उसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते EXIF का कोई भी नामो निशान नहीं है, मतलब आपका जो पर्सनल डेटा था वो अब आपका पर्सनल है। याद रखना किसी भी फोटो को सेंड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि उसके अंदर क्या आपका EXIF डेटा है या नहीं है, वरना आप लोगों को क्या होगा, लोकेशन पूरी ट्रेस हो जाएगी। आपको मैं अपनी लोकेशन ही दिखा देता हूँ लगे हाथ कि कैसे आप लोग ट्रेस कर भी सकते हो EXIF डेटा से, ठीक है। मैंने वो मैप का सेक्शन तो आपको दिखाया, पर मैप के सेक्शन को एक्सेस कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैप मेरा खुल गया तो, ठीक है। व्यू EXIF किया, वही आईफोन वाली फोटो जो थी ना मेरी उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो लास्ट में उसने मैप की लोकेशन दी थी, कहाँ गया मेरा मैप ये देखो। अब यहाँ पे उसने दिया तो अब अगर मैं इस पर करता हूँ व्यू लार्जर मैप पे, इस पर ऐसे मैंने टैप किया तो मेरे फ़ोन का जो मैप है ना ये वो खोल देगा, ठीक है। और अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो पिन पॉइंट लोकेशन है ये मेरी दे पाता है कि नहीं दे पाता है। और वैसे पिन पॉइंट तो काफ़ी है यार, केशव नगर भाई मेरा घर की लोकेशन दे रहा है ये, और ये सारी चीज़ें भाई यहीं हैं, इसको छुपा लेता हूँ, मैं बैक कर लेता हूँ। तो वाकई में अब देखो यहीं पे एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने घर की लोकेशन रिवील कर दी, पर कोई बात नहीं, कौन मेरे घर आ ही रहा है। यहाँ पे आप लोगों को दिख गया होगा कि कैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो एक फ़ोटो के अंदर से, है ना बहुत ही कमाल की चीज़। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे इसी टाइप की बहुत सारी कमाल की वीडियोस हैं। अगर आपको भाई गेमिंग पसंद है यार, गेम की वीडियोस देखते हो, तो यार मैंने अभी नया पैशन अपना चालू किया है गेमिंग वीडियोस को बनाने का, तो आप लोग भाई क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी गेमिंग चैनल की भी लिंक है, वहां जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, अपना सपोर्ट दिखा सकते हो और मुझे बता सकते हो कि कैसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली कमाल की वीडियो में।